ओके, फर्स्टली आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट टू थिंग्स, योर प्री एग्जामिनेशन एंड ओडीओपी. ठीक है, कितने लोगों की ओडीओपी हो चुकी है? फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी, कितने लोगों को पता है ओडीओपी होता क्या है? आई शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर, है ना? ओके, एक दो चीजें क्लियर करेंगे क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे थे, तो आई थॉट कि सबका ये कॉमन इशू होगा. देखिए, सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जाम के पहले, जैसा कि जून में आपका एग्जाम है, तो क्या आपको ये पता है कि आपके एग्जाम के पहले आपको एक एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है? यू नो दिस, सीएसईईटी में ऐसा नहीं था. सीएसईईटी में आप एक ही एनरोलमेंट आई थिंक करा रहे थे, 1000 रुपीज का आई गेस, उसके अलावा आपको कुछ नहीं कराना था. बट नाउ इन एग्जीक्यूटिव एज वेल एज इन प्रोफेशनल दो चीजें होंगी. एक तो आपका रजिस्ट्रेशन, जो आई थिंक 10,000 कुछ का आपने कराया होगा, जिससे बुक्स आ गई, ठीक है. इसके अलावा एक एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है जिसकी लास्ट डेट मार्च में होती है. ओके, 25 फरवरी के बाद एग्जाम फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे और 25 मार्च इज द लास्ट डेट टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म. ठीक है, पर मॉड्यूल के हिसाब से चार्ज लेते हैं वो, और वो एग्जाम फॉर्म भरने की जो भी लास्ट डेट होती है उसके पहले तक आपको एग्जाम फॉर्म भरना होता है. अगर आपने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा तो आप जून में एग्जाम नहीं दे पाएंगे. अगर आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो ही एडमिट कार्ड आपको मिलेगा. ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो एग्जाम फॉर्म भरना जरूरी है. ये बात हम आपको इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता है लास्ट तक. एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ बच्चे एडमिट कार्ड का वेट कर रहे थे, लास्ट दिन तक हो गया, उनका एडमिट कार्ड नहीं आया, वो बड़े परेशान हुए, एडमिट कार्ड सबका आ गया, हमारा नहीं आया. बाद में पता चला उन्होंने एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरा था. सो आप ऐसी गलती मत करिएगा. ठीक है, एग्जाम फॉर्म भरना है. जब एग्जाम फॉर्म आ जाएगा उसका नोटिफिकेशन, तो आई विल शेयर द डिटेल्स. दूसरी बात, एग्जाम फॉर्म के पहले दो चीजें आपको करना जरूरी होती हैं. एक होता है ओडीओपी, ये एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, कुल मिला के कुछ भी नहीं है. एक दिन का सेमिनार होता है, इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइज होता है, वो आपको अटेंड करना होता है, एंड आई गेस उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है. यस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ प्री एग्जामिनेशन. प्री एग्जामिनेशन अभी हम बस एक मिनट में डिस्कस करते हैं, पहले ओडीओपी की बात कर लेते हैं. बहुत सारे बच्चों की ओडीओपी हो चुकी है, किसकी किसकी नहीं हुई है अब बताइए. ओके, सो ओडीओपी करना कंपलसरी है. ओके, आपके एग्जाम फॉर्म भरने के पहले आपको ओडीओपी और प्री एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है. अगर आपका ओडीओपी नहीं हुआ है तो आप एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे. ओडीओपी आपके हाथ में नहीं है क्योंकि ये आपका इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करता है. जब जब वो सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे तब आपको एक ईमेल आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, और उस हिसाब से आपको पहले वहां जाके अपना एनरोलमेंट कराना पड़ेगा, फिर जाके वो एक दिन की ओडीओपी आपको अटेंड करनी होगी. अभी चार डेट्स आई हैं. अगर आपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट देखी हो तो कानपुर चैप्टर जो है, चार डेट्स इन्होंने रिलीज करी है. अभी आई एम नॉट श्योर कि वो होंगी भी कि नहीं होंगी, ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन द कोविड सिचुएशन, हो सकता है वर्चुअल हो जाए, बट चार डेट्स हैं. आई थिंक 21 जनवरी इज द फर्स्ट डेट. देखा ऐसा कोई नोटिफिकेशन मेल आई है क्या आपके पास? है ना, 21 जनवरी है, फिर फेब की एक दो डेट्स है, मार्च की एक डेट है. तो जिनकी भी ओडीओपी नहीं हुई है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज इंस्टीट्यूट जाइए. कानपुर चैप्टर यहाँ से दूर नहीं है, बगल बगल जा सकते हैं आप. ये पता है ना कानपुर चैप्टर कहाँ है? ओके, तो बगल में जा सकते हो और उनसे प्लीज ये पूछ लीजिए, व्हेन इज द ओडीओपी एंड काइंडली रजिस्टर मी फॉर ओडीओपी. ठीक है, क्योंकि अगर कोविड सिचुएशन की वजह से लॉकडाउन जैसा कि दिख रहा है आपको भी, अगर ऐसा कुछ होता है फिर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा अटेंड करना. ओके, तो एक बार उनसे पूछ लीजिए वेदर दे आर ऑर्गेनाइजिंग और नॉट. इफ दे आर ऑर्गेनाइजिंग तो गो एंड राइट योर नेम ओवर देयर और आप वो ओडीओपी अटेंड कर लीजिए ताकि वो काम खत्म हो जाए. कमिंग ओवर टू द प्री एग्जामिनेशन. प्री एग्जामिनेशन होता क्या है? आपका इंस्टीट्यूट मेन एग्जाम के पहले ये जानना चाहता है कि आप मेन एग्जाम देने लायक हैं कि नहीं है. अब इस पे आपको खुद पे भी डाउट हुआ है, ये तो हमें रोज लगता है ना. आप सोच रहे यही सवाल रोज हम खुद से पूछते हैं, हम लायक हैं कि नहीं है. तो इंस्टीट्यूट ने इसके लिए क्या किया है, प्री एग्जामिनेशन रखा है. जैसे आपके स्कूल में प्री बोर्ड्स होते थे, याद है, वैसा ही कुछ कुछ प्री एग्जामिनेशन है. प्री एग्जामिनेशन में आप जो भी मॉड्यूल दे रहे हो उनके ऑनलाइन पेपर्स होते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में. ओके, तो आपका जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा एक आईसीएसआई का, उसके थ्रू लॉगिन करके, हम एक वीडियो भी आपको भेज देंगे जिससे यू कैन गो थ्रू दैट यू नो पोर्टल जिसमें प्री एग्जामिनेशन होता है. आप अभी चाहें तो अभी भी अपीयर कर सकते हैं. तो जैसे मॉड्यूल वन के आपके चार पेपर्स हैं, राइट, तो चारों का ऑनलाइन ही एग्जाम होगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा हम कंपनी लॉ का अपीयर करना चाहते हैं, अब कंपनी लॉ का ऑनलाइन होगा, एमसीक्यूज होंगे, वो आपको अपीयर करना है. ठीक है,
अगेन द सेम थिंग, वही मिनिमम 40 और एग्रीगेट में 50 की पासिंग लानी होती है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं होती, आई गेस होती नहीं होती है, दिया है कुछ बच्चों ने, दिया होगा प्री एग्जामिनेशन आई एम श्योर, देख लेना वैसे, ठीक है। और उसमें बेस्ट चीज ये होती है कि ऐसा नहीं है कि उसका आपको एक ही मौका मिलेगा, यू आर हैविंग अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, जब तक पास नहीं हो जाते देते रहो, एनी टाइम एनी वेयर मोड, एनी टाइम एनी वेयर मोड मतलब आप घर पे बैठ के वो प्री एग्जाम दे सकते हैं। तो जैसे आज आपने फॉर एग्जाम्पल कंपनी लॉ का पेपर दिया और आज आप क्लियर नहीं हुए, अब 24 घंटे बाद कंपनी लॉ का पेपर फिर खुल जाएगा, तो आप फिर उसको अपीयर करो, ठीक है। और जब तक पास ना हो जाए तब तक आप देते रहेंगे। इन एनी सिचुएशन यू हैव टू क्लियर ऑल द 4 पेपर्स बिफोर द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग फॉर्म। आई होप आप ये कोरिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि एग्जाम फॉर्म तभी भरेगा जब प्री एग्जाम क्लियर होगा। तो अभी अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत कोर्स हो गया है या हम एक बार देख सकते हैं, ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा, इवन इफ यू विल नॉट पास तो अगले दिन आप फिर से दे सकते हो, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो आप एक बार लॉगिन करके देख लीजिएगा, खोल के तो देख लीजिएगा कि प्री एग्जाम खुलता कैसे है, ठीक है। तो वो प्री एग्जाम होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। टैक्स के में हम स्पेशली आपसे कहेंगे कि कोशिश करना एक बार में क्लियर ना करना। मैम ये कैसी बात कह रही है, रीजन बीइंग टैक्स का पेपर आपका एमसीक्यू है, तो आपको नहीं लगता आपको ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस करने को? एक बार पास हो गए फिर दोबारा पेपर थोड़ी मिलेगा, बट डेफिनेटली दैट इज नॉट इन योर हैंड, वो तो आपने कर दिया, अब हो गए पास, अब ये थोड़ी बोल सकते इंस्टीट्यूट ने ये वाला ना मानना। सो ऑब्वियसली, बट थोड़ा नॉलेज भी इंक्रीज होगी आपकी, और कोशिश करना स्टार्टिंग में तो अपने आप से ही दीजिएगा, ठीक है, अपनी नॉलेज के हिसाब से जो भी आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे। तो मोर एंड मोर एमसीक्यू क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग, और जब वो क्लियर हो जाएगा तब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट के लिए बिल्कुल मत छोड़िएगा प्री एग्जाम, जितनी जल्दी हो जाए उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कई बार लास्ट में लॉग इन ही नहीं हो पाता है। तो जितना आप डिले इसमें करोगे, अगर एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट मिस हो गई तो अल्टीमेटली आपका एग्जीक्यूटिव का जो अटेम्प्ट है वो मिस हो जाएगा। तो इज एनीवन हैविंग एनी डाउट्स एज रिगार्ड ओडीओपी और प्री एग्जामिनेशन? हाँ बेटा, हाँ 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 हाँ, द मोमेंट यू विल सबमिट यू विल गेट द रिजल्ट, ऑनलाइन है, जैसे ही आपने सबमिट किया पेपर वैसे ही यू विल गेट द रिजल्ट, इट इज पास और नॉट। उसका भी एक सर्टिफिकेट होता है प्री एग्जामिनेशन का भी, वो भी वहीं जनरेट हो जाएगा। तो वो दोनों चीजें जब आपके पास होंगी देन ओनली यू विल बी एबल टू फिल योर एग्जामिनेशन फॉर्म। एनी अदर क्वेश्चंस एनीवन? अब कोई ये तो नहीं कहेगा कि प्री एग्जाम क्या था, हमको कभी पता ही नहीं था। हाँ कुछ पूछ रहे बेटा? नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं होता है, लॉग इन का पोर्टल होता है, बस आपको लॉग इन आई डी पासवर्ड डालना होगा, उससे वो डायरेक्टली वो विंडो खुल जाएगी जिसपे आपको प्री एग्जाम देना होगा। दैट इज वॉट आई एम सेइंग, कि पहले हम आपको वो वीडियो शेयर कर देंगे, एक बार खोल के देख लो चल रहा है कि नहीं। आई होप CSET से काफी एक्सपीरियंस हुआ होगा आपको, है ना, CSET के एग्जाम में इंस्टीट्यूट के टेक्नोलॉजी पे आपको काफी भरोसा होगा कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए एटलीस्ट एक बार चला के देख लीजिए कैसे चलता है क्या चलता है। जरूरी नहीं है कि आज ही पास हो जाओगे, बट अपनी नॉलेज के लिए एक बार ट्राई करके देख लो, यू नेवर नो, हो सकता है MCQ 40 ऐसे हो जो आपको आते ही हो, ठीक है, तो पास हो जाएगा बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर ट्राई कर लीजिएगा। तो आई होप एवरीथिंग इज नाउ क्लियर, एनी अदर क्वेश्चंस एनीथिंग? पक्का? ठीक है, अगर आप बोथ मॉड्यूल दे रहे हो तो दोनों का प्री एग्जाम क्लियर करना है, अगर आप एक ही मॉड्यूल दे रहे हो तो एक का क्लियर कर लो, दूसरे का बाद में कर लेना, ठीक है, फाइन, तो इट्स अप टू यू। और ये एक ही बार क्लियर करना होता है, जैसे आज आपने प्री एग्जाम क्लियर कर लिया, जून में पेपर दिया, फॉर एग्जाम्पल नहीं हुआ आपका, नहीं किसी और बच्चे का, मिस्टर एक्स का, शुभ शुभ बोले, है ना। तो मान लो मिस्टर एक्स ने दिया प्री एग्जाम, जून में उसका पेपर नहीं निकला, अब वो दिसंबर में देगा मॉड्यूल 1, दोबारा नहीं देना प्री एग्जाम, प्री एग्जाम सिर्फ एक बार क्लियर करना, ठीक है, एग्जाम बार बार दे सकते हैं, प्री एग्जाम इज ओनली वंस, ठीक है, फाइन। एनी अदर क्वेश्चंस टू एनीवन? ओके फाइन।